इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बैंगलोर आज बहुत बड़े वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, और अगर हालात सेम रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा इंडिया सेम प्रॉब्लम फेस करने वाला है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जो सच है उसे पेश कर रहा हूँ। अभी बैंगलोर में लोग लंबी लाइंस में खड़े हैं, कई घरों में खाना नहीं पक रहा, लोगों में झगड़े हो रहे हैं, और नौबत तो ये आ गई है कि रास्ते से जा रहे वाटर टैंकर से पानी चुरा लिया जा रहा है। यानी इंडिया का अपना सिलिकॉन वैली एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। The situation in Bangalore is actually worsening, especially when it comes to RR Nagar or Pattanagere. There were people who told us that they don't even have water in washrooms. That's the kind of situation that we are talking about. Bengaluru, India ke southern state Karnataka ki rajdhani aur desh ki fourth most populous shahar. Kareeb 1.5 crore log, lekin planning ekdam zero. चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों बैंगलोर में पानी की प्रॉब्लम हो रही है, कैसे इतना डेवलप्ड शहर और आईटी हब पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, और कैसे आपका शहर भी शायद बैंगलोर बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अलंकार और ये है बैंगलोर की वाटर क्राइसिस की सच्चाई। बैंगलोर में पानी की प्रॉब्लम शुरू हुई 2024 की लेट फरवरी से। अभी सिचुएशन ये है कि हर एज के लोगों को लाइन में खड़े रहकर पानी के टैंकर या वाटर एटीएम से पानी कलेक्ट करना पड़ रहा है। न्यूज आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कि कैसे लोगों के घर में खाना पकाना बंद हो चुका है और कई लोगों ने ऑफिस जाना छोड़ दिया है। सरकार लोगों को हर दूसरे दिन नहाने के लिए बोल रही है, और ये भी कहा गया है कि जो भी लोग पानी वेस्ट करते हुए पकड़े जाएंगे उनको फाइन देना पड़ेगा, जो कि आइडियली पॉसिबल है ही नहीं। सरकार कितनों को पकड़ेगी? सुशीला जी बैंगलोर की एक रेसिडेंट बताती है कैसे उनके इलाके में जब भी पानी का टैंकर आता है तब लोगों में झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि सबको पानी चाहिए। वो जहां रहती है उस इलाके के लोगों की मंथली सैलरी हार्डली कुछ 6 से 8 हजार होगी, जो कि अब टैंकर का पानी लेने में ही चला जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए जिन टैंकर्स के प्राइसेस 400 से 600 रुपए थे वो 2 से 3 गुना बढ़कर 800 से 2000 रुपए हो गए हैं, और ये कोई वन ऑफ केस नहीं है। बड़े से बड़ा अपार्टमेंट हो या छोटे से छोटा घर, शहर का एक बड़ा हिस्सा परेशान होकर रास्ते पर निकल चुका है पानी की खोज में। पर क्या ये अचानक शुरू हुआ? क्या लोगों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था? था, इसकी वार्निंग 5 साल पहले से ही दी जा रही थी। 2019 टाइम्स ऑफ इंडिया के इस 5 पेज की डिटेल्ड आर्टिकल में बताया जाता है कि वार्निंग्स ऑलरेडी दिए जा रहे थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर टीवी रामचंद्रा इस बारे में सालों से रिसर्च कर रहे थे। रामचंद्रा बताते हैं कैसे ईयर 1973 से बैंगलोर का ग्रीन कवरेज कम होता जा रहा है। रामचंद्र जी इस 2019 के आर्टिकल में बताते हैं कि कैसे बैंगलोर इस प्रॉब्लम से बच सकता था, लेकिन तब भी उनकी बातें नहीं सुनी गई, और 5 साल बाद भी सेम कहानी। 2022 में भी डॉक्टर कृष्णराज इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के प्रोफेसर ने बताया कैसे इस कार्बन डिपेंडेंट इकोनॉमी यानी पेट्रोल, कोल, डीजल इन पर ज्यादा निर्भर इकोनॉमी की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कैसे बैंगलोर को आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। उनका प्रेडिक्शन कि कावेरी रिवर का कम होता हुआ वाटर लेवल इसका कारण होगा वो भी सच निकला। लेकिन तभी इस बात से एस विश्वनाथ, एक वाटर एक्सपर्ट, सहमत नहीं थे। उनके मुताबिक बैंगलोर को कभी पानी का शॉर्टेज नहीं होगा, और सब झूठी कहानी बनाई जा रही है कुछ अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देने के लिए, लेकिन अफसोस वो गलत निकले। इतना ही नहीं, बैंगलोर में ये पहली पानी की प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले भी छोटे स्केल पर पानी की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उससे भी लोगों को सीख नहीं मिली। जैसे हर बीमारी का कारण होता है, हर इफेक्ट का कॉज होता है, वैसे ही इस समस्या का भी एक कारण है जिसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इतिहास में देखा जाए तो बैंगलोर, जिसको द सिटी ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता था, उसे इतने लेक्स का वरदान दिया खुद इस शहर की खोज करने वाले केम्पे गौड़ा जी ने। लेकिन लेक्स ही क्यों? देखो, बैंगलोर का शहर सी लेवल से 900 मीटर की ऊंचाई पर है, जिससे बैंगलोर में पानी नेचुरली सिटी के अंदर नहीं बहता, इसीलिए इतने सारे आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए थे। लेकिन 2024 आते आते सारे लेक्स पोल्यूटेड हो चुके हैं और इनका पानी इस्तेमाल करने लायक भी नहीं बचा। इसीलिए बैंगलोर का शहर अपना पानी 2 मेन सोर्सेस से लेता है। एक है शहर से 100 किलोमीटर दूर बहने वाली कावेरी नदी, और दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। अब अगर कावेरी नदी की बात की जाए तो बैंगलोर को हर दिन 2100 मिलियन लीटर पानी लगता है, जिसमें से कावेरी से सिर्फ 1450 मिलियन लीटर पानी ही हर रोज शहर के अंदर
पंप हो पाता है और ये सब काम देखती है BWSSB बैंगलोर की वाटर डिपार्टमेंट। साल 1974 से ही बैंगलोर का शहर कावेरी नदी से पानी लेता आ रहा है, लेकिन इस साल ड्रॉट की वजह से कावेरी में पानी का लेवल घट गया है जिससे सप्लाई कम हो चुका है। अब अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात की जाए तो जहाँ जहाँ कावेरी का पानी नहीं पहुँच पाता उन अपार्टमेंट और घरों में बोरवेल यूज किया जाता है और वो भी इस साल ड्राई हो चुकी है। पर बोरवेल्स कैसे ड्राई हो गए? दरअसल मिट्टी के नीचे पानी तभी जमती है जब बारिश का पानी जमीन में एब्जॉर्ब होकर नीचे जा पाए। अगर मानिए कंक्रीट जैसी कोई चीज जिसके थ्रू पानी जा ही नहीं सकती उसके ऊपर पानी गिरे तो वो पानी वही सरफेस पर रहकर इवेपोरेट कर जाती है। ये मैप दिखाता है कैसे 1973 से 2020 तक बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं और अभी करीब 83% शहर कंक्रीट में ढक चुका है, इसीलिए बारिश का पानी जमीन में एब्जॉर्ब होकर नहीं जा पा रहा। ऊपर से बोरवेल्स मतलब जमीन पर कुएं जैसा एक होल जो कि 100 से 1500 फीट तक जाती है जमीन के अंदर पानी निकालने के लिए। बैंगलोर में कुछ 16,000 बोरवेल्स हैं। वो पब्लिक जिनके घर तक BWSSB का पाइपलाइन नहीं पहुंची, वो इन बोरवेल्स का यूज करती गई। लेकिन कम बारिश और पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से उस अंडरग्राउंड वाटर का लेवल घटता ही गया, मतलब पानी सिर्फ निकाला गया अंदर गया ही नहीं, और इसीलिए पहले 100 फीट खोदने पर भी पानी मिल जाता था पर अब 1800 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिलता और ये काफी डरावनी बात है। मतलब वहाँ कावेरी का पानी भी सूख गया और अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे गिर गया। इसका मतलब एक गंभीर वाटर क्राइसिस। अब चलो कावेरी का पानी और अंडरग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम तो समझ आ गया, पर उन लेक्स का क्या हुआ? देखिए बहुत सारे लेक्स का पानी तो पोल्यूटेड हो गया, जैसे मैंने पहले भी कहा 1971 तक बैंगलोर के पास 262 लेक्स थे जो आज घटकर 81 ही रह गए, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाना नेचर को बचाने से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मजे की बात ये है कि खुद BBMP ने 100 से ज्यादा लेक्स भर दिए कंस्ट्रक्शन के लिए। वाह, पर इसके लिए सरकार और पब्लिक दोनों दोषी है कई हद तक। गवर्नमेंट और BWSSB को पता था कि सबके घर में पाइप्स पहुंचने में टाइम लगेगा और बैंगलोर के पानी के हिस्ट्री को देखते हुए 2011 में आई BWSSB अमेंडमेंट एक्ट जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादातर घरों में बाय लॉ मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन अभी तक 10 लाख घरों में से सिर्फ 2 लाख घरों ने ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके को अपनाया है। अगर जनता को ही फर्क नहीं पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम्स तो आनी है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ बैंगलोर की नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट कार्ड खुद कहता है कि साल 2025 तक इंडिया शायद एक वाटर स्केर्स नेशन बन जाएगा जहां पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और 2030 तक पानी का डिमांड उसके सप्लाई से 2 गुना हो जाएगा। तो जो हाल अभी बैंगलोर का है उसी सेम तरीके से अगर बाकी स्टेट्स इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते रहें तो शायद एक दिन आपके शहर में भी पानी ना बचे। वैसे एक पॉपुलर बात तो आप सबने सुनी होगी, द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर वुड बी फॉट फॉर वाटर, और शायद बैंगलोर उसकी एक झलक दिखाता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब रोकना मुमकिन है वेस्ट वाटर को ठीक से मैनेज करके, ताकि एटलीस्ट 90% पानी फिर से यूज किया जा सके, जो बचे कुचे लेक्स हैं उनको साफ करके, और ये देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको भर कर नए बिल्डिंग्स ना बनाए जाए। और इसके अलावा हम फॉरेस्ट एरिया को भी बढ़ा सकते हैं ताकि पानी जमीन पर गिरे ना कि बेजान कंक्रीट पर। वैसे मौके का फायदा उठाते हुए पॉलिटिकल पार्टीज भी खूब प्रोटेस्ट कर रही है कर्नाटका के रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। इसमें से सबसे ज्यादा गुस्से में BJP दिख रही है। रीजन भी बहुत क्लियर है दोस्तों, इलेक्शंस 2024, जिसको मैंने कवर किया है अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। वैसे आप किस शहर से हो और क्या वहाँ वाटर क्राइसिस है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।